दोस्तों को क्या बता दो, गर्जी पुल दिखाओ, पुल पुल दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग हैं, बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज का देखिए मौसम बहुत ही सुहाना है और अभी विकास भवन से जस्ट निकले हैं और प्लान बन गया, तो जस्ट संगम जा रहे थे, हमने सोचा यार जब चल ही रहे हैं तो कहे ना आपके साथ चले। और साथ ही मेरे देख सकते हो यार अभिषेक है, अभिषेक को दे दिया मैंने बाइक, चलाओ मैं आपको देखता हूँ और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो प्रयागराज का दूसरा नाम संगम ही है, आपने सुना होगा प्रयागराज संगम के नाम से ही मशहूर है। चलते हैं आओगे तो पता चलेगा क्या, और मतलब नज़ारा एक नंबर का। वो लहरें, वो नदी की धाराएं, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता दोस्तों, वो आपको आके ही महसूस करना पड़ेगा। दोस्तों आप कहीं के भी हो, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको प्रयागराज कभी आएंगे तो पसंद बहुत आएगा, आपको अपना होम टाउन भूल के आप प्रयागराज के ही हो जाएंगे। जब भी आप आएंगे आप यहीं के हो जाएंगे, ये प्रयागराज की खास बात है दोस्तों। देख लेना आप लोग, आएंगे दो तीन दिन रुक घूमना बढ़िया से। और कहाँ के आप है कमेंट में बता दीजिएगा। आजाद पार्क दे रहे हैं, थोड़ा जो है फोन आ गया था, बैक कैमरा आजाद पार्क, ये बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं पूरा आजाद पार्क है, मतलब एक नंबर का कांड वाली जगह, घूमना फिरना हर एक चीज़ इसमें जो है बहुत बढ़िया होता है। आइएगा तो सिंगल आइएगा तब भी ठीक है, वैसे भी है दोस्तों। इस ये तो बात हो गई थोड़ा सा दोस्तों फनी की, लेकिन ये इस जगह का ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है यार। ऐतिहासिक महत्व वाली वीडियो जो हमें आपको बनाएंगे अगली बार का सही आजाद पार्क, इसमें जब आपको आएंगे लेकर अगले वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जितनी भी उनसे जुड़ी बातें हैं सब आपको दिखाएँगे बताएँगे। और संगम देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर है, ठीक है, सीधे चलना है भाई। हाँ, सीधा देख सकते हो यार, पता नहीं मौसम आप लोग को दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, और लेकिन मौसम यार जबरदस्त लग रहा है, लग रहा है कि यार संगम में बाढ़ फिर से आएगा। क्या नज़ारा है यार, अगर बारिश होगी तो भीगेंगे, पक्का भीगेंगे दोस्तों। घूमने के लिए तो वैसे जब समय मिल जाए तब सही होता है, लेकिन सही मज़ा आपको इसी मौसम में ही मिल सकता है दोस्तों। ऐसे बारिश होने वाली हो और आपको इंतज़ार हो, बारिश होने वाली है और ऐसा सुहावना मौसम हो दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात कि आप संगम के पास भी बूंदाबांदी शुरू हो गई मित्र, समय कितना, समय बता दें, बादल देख रहे हो यार, यार देख लो नैनी पुल यहाँ से 1 किलोमीटर है और जो संगम है वो 3 किलोमीटर आगे है। इधर से अलोपी मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ से करीब 500 मीटर होगा, आप आइएगा तो अलोपी मंदिर जरूर जाइएगा। अलोपी का नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि तो अभी जाना, घर भी जाना है, 5 बजे का मुझे टाइम दिए थे, 5 बजे तक घर वापस आना है, चाहे 90 की स्पीड में चलना पड़े जैसा होगी या कांटा तोड़ के उसको बाहर निकालना पड़े। क्या बता दो, गर्जी पुल दिखाओ, पुल पुल दिख रहा है, दिख रहा है, वो देखिए दूर पुल दिख रहा है यार। तुम्हारा कैमरा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उस पर है अमरेंट वाले पर है यार, फोन है क्या करें, आप लोग सपोर्ट कर दो, करिए थोड़ा जो है शेयर और करिए, तो जो है बढ़िया कैमरा वैमरा ले दिखाए आपको, देख रहे हो यार, वाह क्या बारिश, देखो वहाँ पे आके बारिश हो रही है, कह रहे ना, और यहाँ पे सारी बारिश नहीं हो रही, एकदम सूखा हुआ है, आके देखो 50 मिनट पे बारिश, ये एरिया ही बारिश का है भाई, तुमसे मैंने बोला था ये बारिश का मौसम जाएगा, मौसम की बारिश जाएगा, मतलब मोबाइल को बचा के रखना पड़ेगा जेब, देख रहे हो यार पूरा भीग रहे, सिर्फ आपके लिए भीग रहे यार, पूरा भीग गया पूरा, और यहाँ पे सारी बारिश ही नहीं हो रही है,
मीटर का अंतर, 10 मीटर में। दोस्तों वो है उस पुल का कमाल, इसीलिए उसको प्रसिद्ध नैनी पुल कहा जाता है। आप बैक कैमरा से देखिए पीछे का नजारा, बैक कैमरा कह रहे हैं बारिश ना होता, बड़ा बड़ा साला जबरदस्ती सुपर आ गया। और यहां बंद है क्योंकि इस तरफ मौसम नहीं लग रहा था, अब आ रही है बारिश इस तरफ। दोस्तों हमारे साथ साथ बारिश भी चल रही है, आपके साथ साथ आपके साथ भी बारिश शेयर हो रही है। दोस्तों आप अकेला मत महसूस करिए, चलना है कहाँ अंदर इधर, ये पूरा संगम एरिया है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे चलो, कहाँ आगे, संगम आगे चला यार, बहुत बड़ा एरिया है यार आगे, और क्या एकदम नेट संगम चाहिए हमका, नाव बैठे का यार एकदम संगम। आज दोस्तों को नाव पे बैठ के दिखाना है, नाव का भ्रमण कराना है आज दोस्तों को। कहाँ कहाँ पार्किंग उधर है तो फेल दोगे क्या आप? अरे यार मुबेलिया पकड़ ली सही, कहाँ चली, चलो सीधे जहाँ से लौटो वही बारिश, मतलब लौट गया है पिछड़ा बंद था क्या यार बरसत था, क्योंकि अब लागत पाए यार कहाँ बरसत है, फिर लागत आए मजा आवत पाए यार, बहुत तेज लागत है यार। Later. ये यहाँ पर पूरी बारिश जो है और हसीक मजा आ रहा है भाई लोग, इतने पानी में यार, इतने पानी में पूरी यहाँ पर बारिश, कोई मतलब नहीं था आने का, लेकिन जो है आज मजा आ जा रहा है यार यहाँ पे। और अरे यार बहुत ही, अरे वाह एक मिनट एकदम, मतलब यार आगे उस तरफ नहीं जाने वाले ना, आगे चलेंगे क्योंकि उस तरफ मजा आएगा, इधर चलते थोड़ा, इधर चलते यार शर्मा उड़े ना ये तो कोई ऊपर नहीं लगा है यार, ये तो आगे आ जा रहा है यार, ये आगे आ जा रहा है बार बार, कैसे आगे आ जाता है यार, देखो इतनी बारिश में आपके लिए ब्लॉग बन रहा है तो कम से कम यार शेयर लाइक सब्सक्राइब आना तो चाहिए। अरे यार आगे का नज़ारा, वहाँ तो सारा पानी आ गया यार, वहाँ उस एरिया तक जो है कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। और इधर थोड़ा देखो क्या है, अरे यार गिरा तो हो जाए मोबाइल रख किया है, दो मिनट रख किया है, दो मिनट एक क्या बढ़िया गुड, हमारा फोटो ले बैग से, फोटो बैग से बढ़िया नहीं आएगा, एक मिनट फोटो ले ले मोबाइलिया कहाँ रखी है, पन्नियाँ तो खाली बाहर के रखी है, इकलौती है, इकलौती है। हाँ